वादी में कल 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान हुआ, लेकिन कहीं पर खुशियां कहीं पर गम है। अनंतनाग से एक बुरी खबर आ रही है, जहां पर एक मां ने अभी अभी एक जिसका हार्ट अटैक हुआ है क्योंकि उसके बेटे का रिजल्ट जो है वो फेल आया है। लेकिन वही ज़्यादातर हमने देखा कि यहां पर मैक्सिमम लड़के और लड़कियाँ जो है वो पास आउट हुई है, 65% इसमें रिजल्ट आया है। यहाँ पर जो साइंस स्ट्रीम है उसमें पहली पोजिशन जो है FEI यानी कि फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हासिल की है, जिसका नाम शाहिद बशीर है और लकली वो हमारे साथ में अभी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर टू एवरीवन। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से पढ़ाई की? जी मैं बादीपुरा एरिया में रहता हूँ। इट्स अ स्मॉल विलेज ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ तहसील चाड़ूरा एंड डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हमारा आता है। आई एम एडमिटेड इन FIS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिंस माई नर्सरी क्लासेस एंड अभी 12th में ही मैंने यहीं से पास करी हुई है। तो ये मुझे बताइए, क्रेडिट किन को देंगे आप? क्योंकि हमने देखा है कि आम तौर से यहाँ पर जो आजकल के लड़के हैं वो मोबाइल पर ही ज़्यादा वक्त जो है गुजारते हैं, टीवी एंड्रॉयड टीवी जो है उस पर वक्त गुजारते हैं, लेकिन आम तौर से जो पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर किताबों पर ही रहते हैं। क्या आपका भी वही रुझान था कि किताबों पर ही, यानी कि बुकवार्म थे आप? जी, जो आपका पहले मैं आपके लास्ट वाले सवाल को जवाब देना चाहता हूँ कि बुकवर्म की जो आपने बात की, ये बुकवर्म बनना आई थिंक किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए नेसेसरी नहीं है। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं लाइक ऐसे यू नो आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन एवरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी स्कूल में होती थी। आई हैव प्लेड डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी एज वेल। फिजिक्स से लगता नहीं है उतना, बट लाइक आई हैव प्लेड। तो वो बात है कि यू नो यू डोंट हैव टू बी अ बुकवर्म। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली किताब पे ही यू नो एवरी टॉपर विल से 16-17 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट जो भी आप कर रहे हो। जैसे आप आज 2 घंटा पढ़ रहे हो, कल 3 घंटा पढ़ रहे हो, तीसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, दैट इज़ ब्रेक नहीं देनी है। ब्रेक नहीं देनी है, एग्जैक्टली। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड तभी आपका जो है इट्स अ प्रोसेस। यू नो ये एक अभी अब लग रहा है कि 12th क्लास का रिजल्ट है, बट ये एक नर्सरी से एक बिल्डअप होता है ना, दैट इज़ यू नो। एंड टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट पार्ट, यू नो इफ आई गिव अ क्रेडिट टू अ 1 पर्सन और 2-3 persons here, I don't think that will do justice. Mm-hmm. You know, there it is a whole process and Who is the main person, you know, who guide you always? You know, I will say the names, but you know, I already said that it won't do justice if I take names. Right. So the institute, it's completely involved. I have studied from here, from a nursery class, you know, and it just, you know, a flashback happens in your mind. Every teacher, jo bhi jinhone bhi padha hai, unke liye duaen nikalti hai. Bachpan se jinhone padha hai. Mm-hmm. Some of them are here, some of them are not, but like everyone has put their optimum effort. Mm-hmm. And talking about, this is the academical part, and talking about the emotional part, this is not an you know smooth journey. आपको पता ही है आज के एरा में कितना डिफिकल्ट है, एंड यू नो इट्स अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। एंड दैट अप टू दैट पार्ट तो ठीक था, बट लाइक जब डाउन्स आ जाते हैं तब आपके फ्रेंड्स जो है, आपकी फैमिली जो है, उनका जो इमोशनल सपोर्ट है, यू नेसेसरीली नीड दैट। इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट्स नेवर अ वन मैन शो। आप अकेला नहीं कर सकते हो कुछ भी। यू नो इट्स अ टीम एफर्ट। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यू नो जस्ट देर, वो ऐसे नहीं होते कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जनरली आई एम स्पीकिंग जनरली, बट उनकी दुआएं जो होते हैं देर वेरी पोटेंट। तो यू नो वी कैनॉट जस्ट गिव अ क्रेडिट टू वन मैन कि दिस मैन वॉज इन्वॉल्व। माई फादर, ही प्लेड अ पिवोटल रोल। यस, आई विल से दैट ही प्लेड अ पिवोटल रोल। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरी type of problem, he was there for me, but I can't give entire credit to him because everybody was involved in it. Mm-hmm. My teachers were involved in it, who taught me, jinhone, you know, the non-teaching staff that was involved in it. Everybody is involved in it, so you can't just give credit to one person in this. So I just like to thank all of them, whoever is here present, whoever is not,
यू नो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आमतौर से यूपीएससी के लिए ही बच्चे जाते हैं जब भी कोई टॉपर होता है इसमें, तो व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्ट्रेटजी? देखिए, जो हमारा आज एनवायरनमेंट है, जो श्रीनगर का एनवायरनमेंट है मेजरली, या कश्मीर का, कश्मीर प्रोविंस का, जो हम तो वी आर फॉलोइंग द जीएमसी एनआईटी ट्रेंड मेजरली, मेजर पीपल। सिंस माई फादर इज एन इंजीनियर, सो आई वॉन्टेड टू चेंज, आई वॉन्टेड टू गो इन टू द मेडिकल। सो मैंने नीट एग्जाम्स दिए हुए हैं अभी अपने, सो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। होपफुली दे विल बी गुड, इफ दे आर गुड आई विल जॉइन अ मेडिकल कॉलेज फॉर श्योर, इफ दे आर नॉट गॉड फॉरबिड then I'll see the other options like you said UPSC and all। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रही है फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। FEI का ये बच्चा है, स्टार्ट से ही यहाँ पर पढ़ते थे। हमारे साथ में और भी टॉपर्स हैं जो यहाँ पर स्कूल के टॉपर्स हैं, यानी कि इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, आप छोड़िए मैं करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आई एम सुहेब फिरदौस एंड आई एम फ्रॉम नौगाम श्रीनगर, फ्रॉम जी आई एम फ्रॉम नौगाम श्रीनगर। जैसा कि आप जानते हैं, क्या क्या रैंक आपने लाई थी? जी मेरी 68 रैंक 6 है विद 491 आउट ऑफ साइंस स्ट्रीम। जी साइंस स्ट्रीम। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब की ज़ात का बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। कम है ज़्यादा है ये रब ने एवरीथिंग सब कुछ प्लान होता है। और मैं इफ़ आई वॉन्ट टू इनिशिएट माई कन्वर्सेशन मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल बच्चे जो हैं काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, कम मार्क्स आ गए, किसी का देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी की स्टेट रैंक आ गई है, किसी की नहीं है। तो बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, यू जस्ट हैव टू पुट इन एफर्ट, आपने एफर्ट खुद का देना है, आपने 100% खुद का देना है, एंड देन अल्लाह सुबहान व तआला विल डू द बेस्ट। तो आप, मैं यही कहना चाहूँगा कि यू जस्ट फोकस ऑन थ्री थिंग्स, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, कोई भी परेशानी आए, यू जस्ट फोकस ऑन थ्री थिंग्स। तो कोई मलाल है कि अगर थोड़ा और मेहनत करते तो फर्स्ट रैंक में या फर्स्ट पोजिशन में आते? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल कोई गिला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह ने दिया है इट्स सफिशिएंट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा कि क्या इनकी व्यूज़ है, और ये बिल्कुल बता रहे हैं कि हम आपस में भाई हैं। लेकिन एजुकेशन में कंपटीशन अगर होगा तो मज़ा आता है, एजुकेशन में कंपटीशन होता है तो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम खुशबू है, आई एम फ्रॉम नौगाम एंड मेरी स्कूलिंग इसी स्कूल में हुई है एंड आई स्कोर्ड 45 एंड थर्ड पोजिशन इन माई स्कूल। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल अपने ऑलमाइटी का हूँ एंड देन माय पेरेंट्स एंड देन टू माय स्कूल। एंड सबसे बड़ी बात ये नहीं होता कि आपके कितने मार्क्स आए या आपकी क्या रैंक है या फिर आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है एंड आपने कितने एफर्ट्स पुट किए हैं। एंड जिसके भी कम मार्क्स आए, आई थिंक ये सबसे पहले ना उन्हीं की हौसला अफजाई होनी चाहिए जो कि मिडिल में आते हैं, जिनके उतने अच्छे भी मार्क्स ही होते हैं उतने बुरे भी मार्क्स ही होते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम ज़्यादा, क्योंकि वो डिमोटिवेट है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या फिर वो और ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तो उनको शायद रैंक वगैरह आ जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर कोई ना अपने अपनी तरह से एफर्ट्स अच्छे डालता है तो फिर रिजल्ट वाला अल्लाह तक होता है। तो बस मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहना चाहती हूँ, चाहे कम मार्क्स आए चाहे जितने मार्क्स भी आए हैं, हमें जो है ना सेटिस्फाई होना चाहिए अपनी हार्ड वर्क पे, ना कि अपने मार्क्स पे। एंड जितने भी मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करो कि, क्योंकि इस बार बहुत ही रिजल्ट मतलब 60% ही पास थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन 60% में आ रहे हैं, दैट्स द इनफ थिंग। एंड बस मैं इतना ही कहूँगी कि हार्ड वर्क करते रहो, सब चीज़ों का जो मतलब जो भी चीज़ें होती है वो बस हार्ड वर्क से ही होती है, और जो भी हार्ड वर्क करते हैं फिर रिजल्ट कुछ भी आए इंसान सेटिस्फाई रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ पर टॉपर जो FEI के स्टूडेंट्स हैं, पहले से यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रही है, जुबलेशंस हो रही है, चाहेंगे कि कोई ऑफिशियल जो है यहाँ पर उसे भी बात करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा खुशी पाई जाती है, यहाँ पर फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से पहली पोजीशन हासिल की गई है, साइंस स्ट्रीम में, और यहाँ पर बच्चे बिल्कुल सारे जमा हो गए हैं। हम चाहेंगे कि किसी ऑफिशियल से बात करे। यहाँ पर हमारे साथ में एक सर है जो यहाँ पर FEI में पढ़ाते हैं, इनसे भी बात करेंगे, देखेंगे कि इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आपको सबसे पहले मुबारकबाद, खैर मुबारकबाद, खैर मुबारकबाद, अच्छी अचीवमेंट, बिल्कुल अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं एज ए सर? अरे यार, जब मैंने कल सुना कि शाहिद बशीर साहब ने फाइव पोजिशन लाई, मेरी नींद नहीं आई। ये मैंने उसी वक्त अपने स्टाफ से, अपने प्रिंसिपल सर से फ़ोन किया और उसको मुबारकबाद दिया। और ये मैं सबसे पहले शाहिद साहब ने प्रिंसिपल सर से और स्टाफ मेंबर से मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ साथ शाहिद बशीर साहब के खानदान के साथ और उनके घर वालों को मुबारक देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ ये कामयाबी और भी रंग लाए और आगे भी ऐसे ऐसे नताइज पेश आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो ये ज़रूरी, मैं आपको थोड़ा सा जानान को मैं बताऊँगा, थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि यहाँ पर जिसने ये नींव डाली है, जो स्कूल का पिलर हम कहेंगे,
वो यहाँ पर मौजूद है लेकिन किसी कारण के वर्ष ये बात नहीं करेंगे। ये है वो नींव, वो पिलर जो स्कूल बनाने में इन्होंने यहाँ पर नींव डाली है। ये अली मोहम्मद सर है, इन्होंने हमें भी पढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा इसके टाइम में जब यहाँ पर ये खुद हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, हम नहीं कहेंगे कि आज नहीं है, आज भी है, लेकिन इसके ज़माने में ये स्कूल डिफरेंट हुआ करता था। मैं चाहता था कि इससे बात करूं लेकिन किसी कारणवश हमसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी मैं समझता था कि इसको भी दिखाऊं क्योंकि इन्होंने ये स्कूल बनाया है, इन्होंने ये नींव डाली है। यहाँ पर आज फयाज एजुकेशनल स्कूल एक बड़ा स्कूल है और यहाँ पर आउटस्कर्ट्स अब श्रीनगर जो नौगाम है वहाँ पर ही आता है। पिछली बार भी हमने देखा, पास्ट में भी हमने देखा और प्रीवियस जो स्टैंडर्ड्स है वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोजिशन हासिल की है। फरदोस लाइव जानवानी, जेके न्यूज़ टुडे श्रीनगर।